भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इजराइल और पूरा यूरोप, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध लड़ाई में फ्रांस का साथ देने का ऐलान किया है। ये दुनिया भर के बड़े लोकतांत्रिक देशों का ऐसा गठबंधन है जो एक तरफ चीन के बढ़ते खतरे से निपट रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के लिए अन्य सबसे बड़े खतरे यानी इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध भी अब एकजुट हो रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध इस लड़ाई में पूरी दुनिया दो भागों में बटी नजर आती है। एक तरफ तुर्की, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश हैं जो खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका जैसे देश हैं जो बिना शब्दों को तोड़े मरोड़े खुलकर इस्लामिक कट्टरपंथ की निंदा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एर्दोगन, इमरान खान और महातिर मोहम्मद जैसे इस्लामिक जगत के नेताओं को ही ले लीजिए, जो कि आजकल फ्रांस के लोगों के खून के प्यासे दिखाई दे रहे हैं। एर्दोगन ने अपने हालिया बयान में ना सिर्फ मैक्रोन को दिमागी तौर पर पागल घोषित कर दिया, बल्कि मुस्लिम देशों से फ्रांस के उत्पाद का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। इसी प्रकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने ट्वीट्स में मैक्रोन पर मुसलमानों को बांटने का आरोप लगा डाला और मैक्रोन को ऐसा करने से बचने की नसीहत दी। इसके बाद महातिर मोहम्मद तो सारी सीमाएं ही लांग गए। अपने एक ट्वीट में महातिर ने यह कह डाला कि गुस्साए मुस्लिमों को फ्रांस के लोगों की हत्या करने का पूरा अधिकार है। अपने बेहुदा ट्वीट से मुस्लिम जगत के नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि इनके नेतृत्व में इस्लामिक जगत शांत और समृद्ध तो रह ही नहीं सकता। इस्लामिक कट्टरपंथ दुनिया और लिबरल मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसीलिए अब दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश साथ आ रहे हैं, अर्दोगन या किसी इमरान खान से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आज भारत का दोस्त फ्रांस बेशक इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आया हुआ हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज सभी लोकतांत्रिक देशों खासकर भारत में भी आतंकवाद का खतरा कोई कम नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत का रुख शुरू से ही सख्त रहा है और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो यूएन के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को सबसे ज्यादा तीव्रता के साथ उठाता है। वर्ष 2016 में यूएन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर ये वैश्विक संस्था इस बुरे अभिशाप से सही तरीके से नहीं निपटेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र से ये बात वर्षों से कह रहा है कि आतंकवाद, आतंकवादी और जो आतंकवादियों की मदद कर रहा है उसकी परिभाषा तय करो। सच तो ये है कि आतंकवाद को कभी यूरोप या पश्चिमी दुनिया ने करीब से देखा ही नहीं है। 9/11 के बाद अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन यूरोप कभी इस खतरे को गंभीरता से ले ही नहीं पाया और ये यूरोप की ढीली अप्रवासी नीति से साफ स्पष्ट भी होता है। हालांकि अब धीरे धीरे आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध दुनिया जागरूक हो रही है और आज इसी का नतीजा है कि दुनिया भर के सारी लोकतांत्रिक शक्तियां एक साथ आई हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ के विरुद्ध अब इस बड़ी लड़ाई का आगाज हो चुका है और अगर सब सही रहा तो इसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।